ये फाउंडेशन की जर्नी सारी ऑनलाइन रही थी, पहले स्टार्टिंग में सारी ऑनलाइन थी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है कि ऑनलाइन कभी हमने पढ़ाई नहीं आज तक, फेस टू फेस हुआ है जो हुआ है तो। पर धीरे धीरे जैसे पारस के जो लेक्चर्स आते थे, ऐसा कोऑर्डिनेशन लग गया कि हम फेस ही लाइव ही कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर पे बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, तो इसलिए मेरी ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत आई ही नहीं फाउंडेशन में, तो बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट पेरेंट्स को भी पता चल जाता कि बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कि सीए मैंने जो चूज किया मुझे लगता ही नहीं है कि इतना टफ है बिकॉज पारस, क्योंकि पारस ने ऐसे लेक्चर्स दिए, ऐसी पढ़ाई कराई कि अब तो कोई भी सीए कर सकता है, ऐसा तो लगता ही नहीं कि सीए हम कर ही नहीं सकते, और टफ कोर्स तो हम कह ही सकते क्योंकि मेहनत तो हर कोर्स में लगती है कि वो सीए हो या कुछ और हो, तो बस सब आसान हो जाता है अगर इंस्टीट्यूट अच्छा हो तो। पारस इंस्टीट्यूट की मोटिवेशन लेक्चर्स भी आते थे जो कि हमें सुरेंद्र सर देते थे, तो उसकी वजह से हमें लगा कि हम घर पे बैठ के लग ही नहीं रहा कि हम कर पाएंगे, पर सर ने जो मोटिवेशन दिया और हमारी जो मेंटल हमारे जो स्ट्रेस को कम किया, ये बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मैं पेपर भी बड़ा आसानी से दे पाई, और हेल्थ को लेकर भी सर ने हमें बहुत गाइडलाइंस दी थी। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गई भी हूँ और मैंने सारी क्लासेस भी एक बार चेक की थी, पर पारस में जो मैंने देखा ना वो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, जिसकी वजह से मुझे सीए कोर्स भी आसान लगने लग गया, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं सीए कर पाऊंगी, पर इंस्टीट्यूट अगर अच्छा हो और मैनेजमेंट बेसिकली बहुत अच्छी होती है जो कि मैंने आज तक की नहीं है, लेकिन अब मैनेजमेंट के साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ जो कि बहुत ईजी हो गया, तो पारस 100% इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट रहेगा, हर सीए कोचिंग इज अ बेस्ट कोचिंग फ्रॉम पारस इंस्टीट्यूट। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर विशाल जिंदल और आज हमारे साथ है प्रीति राजहंस जो कि दिल्ली से जुड़ रही हैं और आप देख रहे हैं पारस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रीति आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? थैंक यू सर, मैं एब्सोल्युटली फाइन। ग्रेट। प्रीति आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में अभी ब्रेक चल रहा है पॉल्यूशन की वजह से और विंटर्स ने दस्तक दे दी है, तो मैं जानना चाहूंगा अभी दिल्ली में माहौल कैसा है? सर दिल्ली का माहौल तो अभी विंटर है लेकिन पॉल्यूशन की वजह से काफी खराब है, पर इसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी क्लासेज ना कहीं बाहर जाना है, घर पे ही रहना है, तो हमें पढ़ाई पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी हो बाहर। ओके, तो मतलब आपका ऑनलाइन सेट है और सब बढ़िया चल रहा है आपका। ओके, तो प्रीति आइए जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, स्कूल लाइफ के बारे में, कहाँ से आपकी 10th और प्लस 2 रही उसके बारे में बताएं। मेरी 10th और प्लस 2 तो सारी गवर्नमेंट स्कूल से रही है, जिसमें मैंने 10th में 60% लिया था एंड 12th क्लास में मेरी 80% आई थी, जिसमें अकाउंट्स में मेरी आई थी 90 मार्क्स आए थे, जिससे मेरा 11th में तो मेरा अकाउंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, 11th तक में मैंने मैथ्स की वजह से मैंने कॉमर्स ली थी, पर धीरे धीरे मेरा अकाउंट में इंटरेस्ट आने लग गया एंड दैट इज ओनली फॉर पारस। ओके, तो आपको जो था ये डिसीजन था जो कॉमर्स का, वो आपने कैसे लिया, ये कब प्लान करा कि मुझे कॉमर्स में ही जाना है? एक्चुअली मेरे साइंस में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ना वो मुझसे होती थी, और आर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कॉमर्स मैथ्स की वजह से ली थी, पहले मुझे नहीं पता था कि कॉमर्स में अकाउंट्स होती है, पर मैंने बेसिकली मैथ्स की वजह से ली थी कॉमर्स आपने इस वजह से ली। आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला, ये जर्नी आपकी पारस के साथ कैसे कब शुरू हुई? तो मेरे पारस की जर्नी मेरी फ्रेंड की वजह से शुरू हुई थी, उसने मुझे आपके वो सारे एप्स दिए थे, जिसकी वजह से मैं मैम से कनेक्ट हुई थी, मैंने मैम को फोन किया, फिर प्रीतमपुरा दिल्ली सेंटर है जहाँ पे मैं गई थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ पता चला। ओके, फाउंडेशन की जर्नी के बारे में बताएं, पारस के साथ जुड़ने के बाद जो आपकी फाउंडेशन की जर्नी थी उसको सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा बताइए। तो मेरी फाउंडेशन की जर्नी सारी ऑनलाइन रही थी, पहले स्टार्टिंग में सारी ऑनलाइन थी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है कि ऑनलाइन कभी हमने पढ़ाई नहीं आज तक, फेस टू फेस हुआ है जो हुआ है तो। पर धीरे धीरे जैसे पारस के जो लेक्चर्स आते थे, ऐसा कोऑर्डिनेशन लग गया कि हम फेस ही लाइव ही कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर पे बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, तो इसलिए मेरी ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत आई ही नहीं फाउंडेशन में। जनरली ये हमने देखा है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं, क्योंकि सबको ऑफलाइन पढ़ने की आदत थी और एकदम से अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो चैलेंजेस आते हैं, तो ऐसे में जो आपका शेड्यूल होता था, जो पारस इंस्टीट्यूट आपको रोज के जो लेक्चर्स देते थे, वो कैसे होते थे और किन के साथ आपका कोऑर्डिनेशन था?
तो जो पारस के जो लेक्चर होते थे डेली के, वो टाइम लिमिट के साथ होते थे, जिससे हमें पूरा मैनेजमेंट मिलता था कि हम उसको स्किप कर ही नहीं सकते। नहीं तो ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे सोचते चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, पर पारस का जो मैनेजमेंट था उसकी वजह से मेरा कोई भी ऐसा लगा ही नहीं कि आज का काम मैं कल पे पेंडिंग छोड़ दूँ, क्योंकि मैम डेली फोन करती थी जिसकी वजह से हमें करना ही पड़ता था। ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा। कौन सी मैम का फोन आता था आपको रोज? मैम की मुझे अनीता मैम का आता था, शीला मैम का आता था, बहुत सारी मैम के नाम भी नहीं पता, इतने सारे टीचर्स के फोन आते। अच्छा ठीक है। सो प्रीति, अब मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए आप, मैंने सुना है कि भाई जैसे प्लस टू के साथ साथ आप जब कॉमर्स है तब आप फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं, तो आप क्या इस टर्म के बारे में जानते थे कि जब आपने तैयारी करी जब आप प्लस टू में थे, तो कि आप प्लस टू के साथ जो है कॉमर्स प्लस टू के साथ आप अपने फाउंडेशन की तैयारी कर सकते थे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपको इस बारे में पता था पहले जब आप प्लस टू कर रहे थे? तो सर जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे इसके बारे में, सीए के बारे में इतना पता नहीं था कि 12th के साथ हम फाउंडेशन भी कर सकते हैं। वो तो जब मेरी 12th हो गई तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करनी है, उससे पहले तो मेरा कोई डिसीजन ही नहीं था कि मुझे सीए करनी है, इसलिए इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। ओके प्रीति, आपने पारस की मैनेजमेंट के बारे में बताया कि आपको मैनेजमेंट से कॉल्स आते थे और उन्होंने बताया, तो मैंने पारस की मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना है, मतलब इट्स बीन सो मेनी इंटरव्यूज और हर कोई जो है मैनेजमेंट के बारे में बहुत तारीफ करता है। आप मुझे मैनेजमेंट के बाद सिलसिले तरीके से बताएं कि कैसी मैनेजमेंट रही और क्या आपको सपोर्ट मिलता था? क्लासेस तो आती ही थी, क्लासेस के साथ साथ जो मैनेजमेंट जो आती थी ना कॉलेज की, उसकी वजह से पढ़ाई बहुत इजी हो गई थी। जैसे मैनेजमेंट हमारी डेली लेक्चर्स डेली शेड्यूल के साथ आते थे, जो कि टाइम लिमिट के साथ आते थे, और उनका होमवर्क हमें डेली करना होता था, जिसकी हमें डेली PDF नेक्स्ट डे हमें भेजना होता था, और हम ना भेजे तो मैम हमें कॉल कर देती थी, जिससे हमारे पेरेंट्स के पास कॉल आता था। तो ये मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छी रही है। ओके सो अच्छा, पेरेंट्स के बाद भी कॉल आता, पेरेंट्स के पास जो है कॉल आता था, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएं, कभी ऐसा हुआ कि मैम ने आपकी शिकायत लगाई हो, आपकी तारीफ भी करी हो, दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट्स हैं और ऑब्वियस आपने स्कोर करा है तो आप एक होनहार स्टूडेंट तो रहे हैं, तो कैसा इंटरेक्शन मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का होता था? सर मैनेजमेंट तो हमें ऐसी मैनेजमेंट कहीं 12th में भी नहीं मिली, सिर्फ फाउंडेशन में सीए में ही मिली है जो कि पारस ने दी है, तो बहुत अच्छा था मैनेजमेंट। पेरेंट्स को भी पता चल जाता कि बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो दैट इज ओनली गुड। तो क्या आपके पेरेंट्स आपको ये कहते थे कि आपने एक बेस्ट डिसीजन लिया है पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही हैं रेगुलरली? ऐसा मैनेजमेंट कभी पेरेंट्स के पास फोन आया ही नहीं है, जो कि पारस तो फोन करता था, जिसकी वजह से पापा पूछते भी थे कि पारस फोन कर रहा है, इतना अच्छा ट्यूशन तूने इंस्टीट्यूट चुना है, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है ओके। प्रीति मुझे एक चीज और बताइए कि UTFTs को लेकर के जो आपके यूनिट टेस्ट होते थे, वो फाइनल टेस्ट होते थे, वो आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे उन टेस्ट को लेकर के और कैसे तैयारी आप करते थे? सर एक्चुअली जो हमारे हर चैप्टर खत्म होते थे उसके बाद भी एक चैप्टर का टेस्टिस होते थे, जिससे हमारी प्रिपरेशन इजी होती चली गई। हमें लगा ही नहीं कि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, नहीं तो सीए का सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, और यूटीज लास्ट में जो होते थे सब हाफ हाफ करके, जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो गई, और एंड तक तो हमें ऐसा लगा कि हमें पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है UTFT की वजह से। तो UTFT में हमें सारे लेवल्स हमें पता चल गए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं फाइनल पेपर के लिए, तो दिस इज वेरी गुड। ओके तो आपकी फैकल्टी कौन कौन रही, कौन से सब्जेक्ट आपको कौन से टीचर ने बताए, और उनकी मुझे एक खासियत भी बताएं कि भाई ये सब्जेक्ट जो है मुझे ये सर पढ़ाते थे और उनकी ये खासियत है, थोड़ा सा उस बारे में जरूर बताएं। एक्चुअली लॉ तो हमने पहली बार पढ़ी है, जो कि सर जो कार्टून बनाते थे उसकी वजह से हमें बहुत टाइम तक उसकी याद रहते थे, जो कि पहले का तो हमें अभी भी याद रहता, तो कार्टून बहुत अच्छे लगते थे लॉ वाले सर के। एंड अकाउंट्स के लिए जो सर जो हमें क्वेश्चंस भी करवाते थे, एक एक इतने अच्छे से करवाते थे कि हमें एंड तक उसकी रिविजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कि सर का देखते ही हमें पता चल जाता कि पूरे लेक्चर हमारे दिमाग में आ जाते थे। और रही बात मैथ्स की, रीतु मैम ने भी बहुत अच्छा हमें सारे ट्रिक्स बताती थी मैथ्स के, जो कि हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। एंड इकोनॉमिक्स भी बेस्ट रही है, जो कि विवेक सर ने हमें बताई है। ओके प्रीति मुझे एक चीज बताएं, अधिकांश मैंने सुना है कि आपको सीए करने के लिए बड़ा मेंटली टफ होना पड़ता है, मुझे इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ये गलत है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन कर चुका हूँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर हमें मिल जाता है तो वो टफनेस नहीं रहती, इजी हो जाता है सारा प्रोसेस एक बच्चे के लिए स्कोर करना, और जितने इंटरव्यूज में कर चुका हूँ मुझे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला
जिसके चेहरे पे मुझे कुछ शिकन नजर आती हो, कुछ स्ट्रेस नजर आता हो कि अब हम इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में आपका जो एक्सपीरियंस है स्ट्रेस को लेकर के ड्यूरिंग कोर्स, वो कितना था? आप कितना, मैं ये कहूंगा कि स्कोर देंगी अपने स्ट्रेस को कि भाई मुझे इतना तो स्ट्रेस हुआ या मुझे हुआ ही नहीं, तो उस बारे में थोड़ा। यस सर, पहले जब मैंने सीए चूज करने का डिसीजन लिया तो सब मुझे कह रहे थे सीए मत ले, बहुत टफ है कोर्स, इसमें पढ़ाई तो बहुत ही करनी पड़ती है, इसकी जगह कोई इजी सा कोर्स ले जो कितने से हो जाएगा। तो फिर जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया, नहीं मेरे को तो सीए ही करनी है। फिर मैंने इंस्टीट्यूट चुना जिसकी वजह से मेरे को इंस्टीट्यूट में पारस में गई, जिसकी वजह से मैंने अपने भाइयों को भी बताया कि सीए मैंने जो चूज किया मुझे लगता ही नहीं है कि इतना टफ है, बिकॉज पारस, क्योंकि पारस ने ऐसे लेक्चर्स दिए, ऐसी पढ़ाई कराई कि अब तो कोई भी सीए कर सकता है, ऐसा तो लगता ही नहीं कि सीए हम कर ही नहीं सकते, और टफ कोर्स तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि मेहनत तो हर कोर्स में लगती है कि वो सीए हो या कुछ और हो, तो बस सब आसान हो जाता है अगर इंस्टीट्यूट अच्छा हो तो। बिल्कुल, ये आपने बाकी सही चीज बताई, क्योंकि पढ़ाई तो देखिए कोई भी है वो टफ होती है, बट हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है। अब प्रीति, इसमें एक चीज और बताएं कि जब हमें ऑनलाइन तैयारी करनी होती है तो हम पूरा दिन घर पे रहते हैं, और ऑब्वियस बाहर क्योंकि एक स्ट्रेस भरा माहौल चल ही रहा था, कोविड था, पैंडेमिक था, तो ऐसे में आपको मोटिवेशन कितनी मिलती थी पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से? तो पारस इंस्टीट्यूट की मोटिवेशन लेक्चर्स भी आते थे जो कि हमें सुरेंद्र सर देते थे, तो उसकी वजह से हमें लगा कि हम घर पे बैठ के लग ही नहीं रहा कि हम कर पाएंगे, पर सर ने जो मोटिवेशन दिया और हमारी जो मेंटल, हमारे जो स्ट्रेस को कम किया, ये बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मैं पेपर भी बड़ा आसानी से दे पाई, और हेल्थ को लेकर भी सर ने हमें बहुत गाइडलाइंस दी थी, इसकी वजह से बहुत अच्छा था। प्रीति, अधिकांश ऐसा होता है कि हम कोई भी करियर जब चूज करते हैं, जैसे आपने सीए बनने का सोचा, आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी चलते चलते, मतलब क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आपके पारस इंस्टीट्यूट से चल रही है अभी? तो एक सीए बनने के बाद हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं जब सीए बन जाऊंगी तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगी, या एक ऐसा लाइफस्टाइल, जो ऐसी कुछ प्लानिंग्स आपने और आपकी फैमिली ने भी की होंगी, तो उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को जरूर बताएं कि आपकी फैमिली और आपकी जो है लाइफ को लेकर के स्ट्रेटेजीज क्या है। तो मेरे सीए बनने के बाद तो बेसिकली एक कंपनी में एक बेहतर जॉब करने का है, और उससे बड़ा है कि मेरे पापा के चेहरे पे वो खुशी कि मेरी बेटी एक सीए है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोलें कि मेरी बेटी सीए है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बाकी की जॉब वगैरह से। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, और सभी बेटियों का ख्वाब होता है कि वो अपने अपने डैड को स्पेशली, मैं कहूंगा कि वो प्राउड फील करवाए। तो जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया था तो आपके पिताजी के चेहरे पे कितनी खुशी थी? बहुत ज्यादा खुशी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो पापा तो सबको फोन कर करके बता रहे थे कि मेरी बेटी का क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो वो खुशी बहुत अलग थी। तो आपके आपके पापा ने क्या पारस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से बात करी थैंक्स और एज एन रिव्यूज की, भाई मेरी बेटी का जो है क्लियर हो गया फाउंडेशन, तो क्या सर की कन्वर्सेशन रही फैकल्टी के साथ? यस सर, सर ने, पापा ने जरूर कहा था कि आपकी वजह से मेरी बेटी पास हो गई, जिसे पढ़ी, थैंक यू। अच्छा, चलिए एक चीज और बताइए कि जो बच्चे यहाँ जब जो सीए करते हैं, अब आप जैसे इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी अपनी कोई सोशल लाइफ भी होती है? मतलब क्या वो बिल्कुल किताबों में घुसे रहते हैं, या उनको जैसे और भी कोर्सेज हैं तो उसमें बहुत तरीके के, जैसे हम देखते हैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल में बच्चों को एक फुल स्पेस मिलता है अपनी लाइफ को जीने का, क्या आपको आप वो जिंदगी जी पा रहे हैं, या बिल्कुल जैसे किताबी कीड़ा हम कहते हैं ना कि वो बन के रह गए हैं? तो इस बारे में पता है मुझे कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। नो सर, एक्चुअली जब मैं सीए चूज करने का, तो सब सब कह रहे थे कि सिर्फ किताब में ही तो घुसी रहेगी, सीए मत कर मत कर, पर सीए लेने के बाद और इंस्टीट्यूट चुनने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सिर्फ किताब ही पढ़ती हूँ, मैं तो बाकी लाइफस्टाइल भी सब कुछ, टीवी, मूवीज एंड सिंगिंग, डांसिंग, मेरा सिंगिंग एक पैशन है जो कि मैं सिंगिंग नहीं छोड़ना चाहती, पर वो भी मेरे साथ साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ही करी रहती हूँ। आप जो सिंगिंग कर रही हैं अभी, तो सिंगिंग की क्या आप अपनी ट्रेनिंग्स भी ले रही हैं साथ साथ, या फिर टीवी या यूट्यूब से आप सीख रही हैं? टीवी और यूट्यूब ट्रेनिंग टीवी और यूट्यूब अभी। से। कोई आपका फेवरेट सिंगर? मेरा फेवरेट सिंगर वो नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़। तो ऐसी ऐसी कोई फॉर्म जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, लाइक हर किसी की चॉइस होती है, किसी को बॉलीवुड, किसी को क्लासिकल, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे ये जो अभी भावी सीए हैं वो क्या फ्लेवर रखते हैं, तो थोड़ा सा मुझे अपनी इस एंटरटेनमेंट जर्नी और अपने पैशन की जर्नी के बारे में थोड़ा सा।
मेरे को रोमांटिक सॉन्ग्स एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। शायद मैं 10th में थी या 12th में थी। मैं सिंगिंग कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरा पैशन है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो मैंने बॉलीवुड रोमांटिक सब सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो फिर देखिए, अब आपने मुझे जब सिंगिंग की बात बताई है तो मैं चाहूंगा कि कुछ दो लाइनें आप अगर गुनगुना के यहाँ सुना सके हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे पारस को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता लगना चाहिए, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट समय समय पर ऐसे टैलेंट कॉम्पिटिशन भी करवाता रहता है अपने बच्चों के बीच में, और हमें बड़ी हैरानी होती है कि इतना सारा टैलेंट जो है हमारे अपकमिंग CAs में है, और जो CA कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तब भी बहुत सारा टैलेंट निकल के आता है, और डेफिनेटली अब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको देखेंगे। तो कुछ कुछ कोई भी सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो वो हमारे सभी व्यूअर्स के लिए और पारस इंस्टीट्यूट के लिए। ओके सर। कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। ओहो, कसम की कसम है, कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। वेल डेफिनेटली प्रीति, ये जो आपका और पारस इंस्टीट्यूट का प्यार है वो इसी तरीके से बना रहे, और वी रियली विश कि बहुत जल्दी से जब ये सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी तो हम आपको डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में मिलेंगे और आपके इस टैलेंट को और निखारने में आपकी मदद करेंगे। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप पारस इंस्टीट्यूट के बारे में जो आप दिल से कहना चाहें वो आज आप प्लीज़ ज़रूर कहेंगे, ताकि ये मैसेज हम अपनी फैकल्टी को और अभी स्टूडेंट्स को पहुँचा सकें। सर एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गई भी हूँ और मैंने सारी क्लासेस भी एक बार चेक की थी, पर पारस में जो मैंने देखा ना वो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, जिसकी वजह से मुझे CA कोर्स भी आसान लगने लग गया, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं CA कर पाऊंगी। पर इंस्टीट्यूट अगर अच्छा हो और मैनेजमेंट बेसिकली बहुत अच्छी होती, जो कि मैंने आज तक की नहीं है, लेकिन अब मैनेजमेंट के साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ जो कि बहुत ईजी हो गया, तो पारस 100% इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट रहेगा। हर ये कोचिंग इज अ बेस्ट कोचिंग फ्रॉम पारस इंस्टीट्यूट। चलिए, थैंक यू सो मच प्रीति, इट वाज रियली ग्रेट टू जॉइन विद यू इन दिस इंटरेस्टिंग सेशन, एंड विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस ऑनलाइन सीरीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।